हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 10। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि वीडियो तो हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन वीडियो शुरू कर पहले मैं एक बार उनका नाम बताऊँगा जिन्होंने मुझे पैसे भेजे थे। तो उनका नाम पंकज सुरेश वानखेड़े, पंकज सुरेश वानखेड़े ने मुझे दिए थे 5 रुपीज़ गूगल पे पे। तो दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फेमस पर्सनैलिटी सोन इन द पिक्चर इन द गिवन बिलो। तो ये पर्सनैलिटी कौन है, इनका नाम आपको बताना है। तो ये हैं आपके स्टीफन हॉकिंग। इनका क्या नाम है? स्टीफन हॉकिंग, ठीक है। और इन्होंने जो बिग बैंग थ्योरी है उसके बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे जो पॉइंट एक्स है ये किस ओशन को लोकेट कर रहा है? तो ये है आपका अटलांटिक ओशन। क्या है? अटलांटिक ओशन। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, पैसा वर्ड PAISA, पैसा वर्ड। तो P से आपका हो गया पैसिफिक ओशन, A से हो गया अटलांटिक ओशन, I से हो गया इंडियन ओशन, S से हो गया साउदर्न ओशन और A से हो गया आर्कटिक ओशन। तो सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। सबसे बड़ा आपका पैसिफिक ओशन, सबसे छोटा आपका क्या है? आर्कटिक ओशन, ठीक है, समझ में आ गया। और अटलांटिक ओशन जो है वो दूसरा सबसे बड़ा ओशन है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से हम किसे जानते हैं? तो ये हम जानते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम किस नाम से जानते हैं? नेताजी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सन्स एटमोसफियर बिकम विजिबल ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स। तो देखिए जब सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण लगता है, तो कौन सा पार्ट हमें सोलर का दिखता है, सन का दिखता है? तो वो होता है आपका कोरोना पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन साइड द सन। तो सन के अंदर कौन सी जो आपका एनर्जी है वो कौन सा एनर्जी है? वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। फ्यूजन में क्या होता है कि दो एटम आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, और फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है ना, एक साथ मिलकर फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये क्या बनेगा? हीलियम। क्या बनेगा? हीलियम, ठीक है। तो जो आपका सन है वो हाइड्रोजन गैस से मिलके बना हुआ है। अगला है डायमंड। डायमंड किसका पार्ट है? तो ये आपका कार्बन एटम्स का। कार्बन एटम्स से 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और डायमंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? तो वह है आपका इनेमल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, टाइम पैनम, ठीक है। तो टाइम पैनम जो है ये क्या होता है? तो ये जो हमारा ईयर होता है, ईयर की ईयर यानी कान जो होता है, कान की जो मेन कैविटी होती है उसे हम कहते हैं टाइम पैनम। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो ये होती हैं 206। क्वेश्चन नंबर 9, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आवर आई शुड बी। तो आँख की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? वो आपकी होती है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड कैलकाता टू दिल्ली। तो देखिए इंडिया की कैपिटल पहले कैलकाता थी, उसके बाद ये दिल्ली शिफ्ट हो गई। तो दिल्ली शिफ्ट कब हुई? ये हुई 1911 में, 1911 में। क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सेटेलाइट लॉन्च बाई इंडिया। तो इंडिया की पहली सेटेलाइट कौन सी थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये है आपकी आर्यभट्ट। कौन सी है? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द 2016 समर ओलंपिक गेम्स वॉज हेल्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो 2016 का समर ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? तो होता ब्राज़ील में। कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? तो चाइना की कैपिटल है आपकी बीजिंग। टोक्यो किसकी कैपिटल है? जापान की। और शंघाई जो है वो आपका शहर है चाइना में। और बैंकॉक जो है, बैंकॉक आपकी किसकी कैपिटल है? थाईलैंड की। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टाइटल ऑफ APJ अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी। तो APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, विंग्स ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 15, द बुक गुलीवर ट्रेवल्स वॉर रिटन बाई। तो गुलीवर ट्रेवल्स बुक किसने लिखी है? तो इनका नाम है जोनाथन स्विफ्ट। क्या नाम है? जोनाथन स्विफ्ट। द सॉन्ग वंदे मातरम इज वॉज ओरिजिनली कम्पोज इन। तो वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है आपकी संस्कृत, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17,
द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ी थी, तो उनका नाम है बछेंद्री पॉल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए आरती साहा, आरती साहा कौन है, ये इंडियन और एशिया एशिया कॉन्टिनेंट की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया था। फिर है आशा अग्रवाल, आशा अग्रवाल कौन है, ये मैराथन चैम्पियन है। और उसके बाद है रीता फारिया, रीता फारिया क्या थी, ये मिस वर्ल्ड बनी थी कब, 1966 में, 1966 में। और डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, और एशिया की और भारत की पहली महिला ये हैं, ठीक है, जो मिस यूनिवर्स बनी, मिस वर्ल्ड बनी थी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18, सनराइज एंड सनसेट अकर ड्यू टू, सनराइज और सनसेट क्यों होता है, तो ये आपका होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द लॉन्गेस्ट पॉइजनस स्नेक, पॉइजनस स्नेक इसमें से कौन सा है, तो ये आपका किंग कोबरा। क्वेश्चन नंबर 20, वॉट इज द नेम ऑफ फर्स्ट डॉग इन स्पेस, तो सबसे पहला जो डॉग था वो स्पेस में कौन सा गया था, तो वह है आपका लाइका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, ये व्यक्ति कौन है, इनके बारे में इनकरेक्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, तो पहला ये नेल्सन मंडेला है, बिल्कुल ठीक है, ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, बिल्कुल ठीक है, ही द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो ये गलत है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं थे। ही डेड ऑन 5 दिसंबर 2013 इन जोहान्सबर्ग, और इनकी मृत्यु कब हुई, 5 दिसंबर 2013 को, तो इसमें गलत क्या था, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए क्या है, ये श्रीलंका का आपका है, तो श्रीलंका को आपको पता है कि इंडियन ओशन में है और ये पूरा का पूरा घिरा हुआ है इंडियन ओशन से, तो एक आइलैंड की तरह ये है। अब यहाँ पे आते हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें सही दे रखी हैं, तो पहला है इट इज़ द मैप ऑफ श्रीलंका, मैप श्रीलंका का मैप है, ये नेबरिंग कंट्री है यानी कि इंडिया का पड़ोसी है, बिल्कुल ठीक है, लैंड लॉक कंट्री है, बिल्कुल भी नहीं, ये आइलैंड कंट्री है, इसके चारों तरफ पानी है, लैंड लॉक का मतलब ये होता है कि ऐसा कंट्री जिसके चारों तरफ ज़मीन हो और उसका कोई भी हिस्सा पानी के साथ ना लगता हो, किसी भी समुद्र के साथ ना लगता हो, किसी भी सी के साथ ना लगता हो। इट बिलोंग्स टू कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, तो ये भी गलत है, तो ये एशिया कॉन्टिनेंट में है, तो इसका आंसर सबसे सही है पहला और दूसरा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स द ह्यूमन लाइफ इवॉल्व, तो सबसे पहले ह्यूमन कहाँ से शुरू हुए ये आपसे पूछा गया है, किस कॉन्टिनेंट से शुरू हुए, तो ये आपका अफ्रीका। नेम द पाकिस्तानी सबमरीन दैट वर ड्रॉन बाई द इंडियन फोर्सेस इन 1971, तो 1971 में पाकिस्तान की वो कौन सी सबमरीन थी जिसे इंडियन फोर्सेस ने क्या कहते हैं ड्राउन कर दिया था, तो ये उसका नाम है गाजी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन में ही बता दिया था, तो इसका आंसर है पैसिफिक ओशन। विच ओशियन सराउंडेड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पे कौन सा ओशन है जिससे पूरा का पूरा घिरा हुआ है, तो ये आपका आर्कटिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 27, किस ओशन में टाइटैनिक जो जहाज़ है, जो दुनिया के सबसे बड़ी जहाज़ थे उस टाइम की, ये किस ओशन में डूबा था, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक ओशन में। ईस्ट टिमोर जो है, ईस्ट टिमोर की कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है दिल्ली, ठीक है ना, ये आपका कहाँ पे है, ये इंडोनेशिया जो है उसके जस्ट नीचे है और ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर है, ईस्ट टिमोर, और इसकी कैपिटल क्या है, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 29, द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का जो बर्थ प्लेस है वो कौन सा है, तो ये आपका है पटना साहिब। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नेम ऑफ अमेरिकन पार्लियामेंट, तो अमेरिकन पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो इसका नाम है कांग्रेस, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द सीनेट। उसके बाद है यहाँ पे फेडरल असेंबली किस कंट्री को कहते हैं, तो ये है आपका स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। और बुंडेस्टैग, बुंडेस्टैग कहाँ की जो संसद है, पार्लियामेंट है उसका, ये जर्मनी की है, जर्मनी की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है बुंडेस्टैग। अगला है क्वेश्चन नंबर, विंटर कैपिटल क्या है जम्मू और कश्मीर की, तो ये है आपकी जम्मू। क्वेश्चन नंबर 33, वेयर डिड द बाबर डाई, बाबर जो था वो कहाँ पे मरा था, तो ये मरा था आगरा में। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, एनाकोंडा किल्स इट्स प्रे, एनाकोंडा अपने जान, अपने जो शिकार होता है उसे कैसे मारता है, तो जब तक उसको ऐसा जकड़ लेता है कि जब तक उसकी हार्ट बीट ना बंद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन अराउंड द साउथ पोल, साउथ पोल पे कौन सा ओशियन है, तो ये आपका साउदर्न ओशियन। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है, तो उनका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद एक 37 नंबर,
यहाँ पे सबसे डिफरेंट क्या है, तो देखिए कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हार्ट के डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट जो चेकअप करते हैं ब्लड सैंपल्स के, और डेंटिस्ट मतलब जो दांत का डॉक्टर होता है, लेकिन जो इंजीनियर है वो यहाँ पे सबसे डिफरेंट है, बाकी यहाँ पे तीनों क्या हैं, डॉक्टर हैं। चूज़ द ऑड वन आउट, यहाँ पे सबसे डिफरेंट कौन सा है, तो ये आपका केप टाउन। देखिए डॉलर, टका और यूरो ये क्या है, करेंसी है, ठीक है, और केप टाउन क्या है, साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ए ग्लोब इज़ द स्मॉल मॉडल ऑफ, तो ग्लोब किसका मॉडल होता है, तो ये अर्थ का मॉडल होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर, यानी कि सेक्स डिटरमाइंड का मतलब ये है कि उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि लड़का हो गया लड़की होगी, ठीक है। तो ये है आपका क्रोकोडाइल, ठीक है ना, ये है आपके क्रोकोडाइल। क्वेश्चन 41, क्रोकोडाइल क्या होता है, रेप्टाइल होता है जो रेंग के चलता है। उसके बाद है 41, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक व्हाट यंग इंडिया वांट्स, तो ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी है चेतन भगत ने, इन्होंने टू स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड ये सब बुक्स भी इन्होंने लिखी हैं। हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द गूगल, तो गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है अभी भी, तो इनका नाम है सुंदर पिचई। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लोकेटेड इन एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट में कौन सा है, तो ये सिंगापुर, सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, इटली की रोम, फ्रांस की पेरिस, और यूनाइटेड किंगडम की लंदन, ठीक है ना, इंग्लैंड की लंदन। क्वेश्चन नंबर 44, गिद्दा जो डांस है वो कहाँ पे किया जाता है, तो किया जाता है दोस्तों पंजाब में। क्वेश्चन 45, द ओजोन लेयर मेनली लाइज इन, तो ओजोन लेयर आपका कहाँ पे है, तो ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर में है। हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया, इंटरनेट के फादर के नाम से किसे जानते हैं, तो इनका नाम है विंट सर्फ, क्या नाम है, विंट शर्प। क्वेश्चन 47, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर डे IMED 2017, तो इस टाइम इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था ऑप्शन नंबर ए, इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट लिटरेसी। क्वेश्चन 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल क्रिकेट हैज़ प्लेड फॉर साउथ अफ्रीका, तो इसमें से कौन से साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं, तो इनका नाम है जॉन्टी रोडेस। गुरु शिखर जो है वो किस माउंटेन पे है, किस स्टेट में है, तो ये है आपका राजस्थान में। तो देखिए गुरु शिखर जो है ना, ये अरावली जो माउंटेन है, दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन है अरावली है। तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, गुरु शिखर, और ये कहाँ पे है, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 50, पारसी प्रवासी भारतीय दिवस, तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन साउथ अफ्रीका से जो महात्मा गांधी थे वो इंडिया आए थे 9 जनवरी को, इसीलिए इस दिन हम मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। तो दोस्त यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है, अगर आप मुझे कुछ पे करना चाहते हो मेरे QR कोड पे स्कैन करके आप पे कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और वीडियो देख के आपको मज़ा आया कि नहीं है कमेंट में लिख के बताइएगा। तो ये है दोस्तों मेरा QR कोड, ठीक है, मेरा नाम सुधीर प्रजापति है, आप यहाँ पे स्कैन करके इसे आप सेंड कर सकते हैं, जो भी आप सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है, अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो ही सेंड करिएगा, वरना मत सेंड करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।